हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे यही उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी एक वर्ड पे वीडियो बनाई थी अल्ट्रिस्टिक, जो हमारे इसी नए यूट्यूब चैनल पे बनी थी लेट्स लर्न टुगेदर, जिसके अंदर हम इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और भी पढ़ेंगे जीएस के बारे में भी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी एक वर्ड कहा था, उसके बाद आज हम नया का वर्ड लेके आए हैं जो एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा वर्ड है। और देखिए, जानते हैं इस वर्ड को। तो ये वर्ड है आज का हमारा कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है अचानक से चेंज हो जाने वाला। जैसे कि हम अगर देखते हैं ना, कई बार तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का मूड जो एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, कोई दुकान पे चला गया और कोई भी चीज देख ली तो उसको देख के रोने लग जाता है लेने के लिए, तो वही सिस्टम होता है। और इसका मतलब होता है चेंजिंग सडनली, यानी सडनली अचानक से चेंज हो जाना। और फिकल दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको सिनोनिम्स में आ जाता है अनस्टेबल, यानी जो चीज स्टेबल ना रहे। इसके बाद आता है मर्क्यूरियल, जैसे मर्करी नहीं होता, फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इसके बाद आता है इनकॉन्स्टेंट, जो चीज कॉन्स्टेंट ना रहे। वेरिएबल, जिसमें वेरिएशन आता रहे। वोलेटाइल, और एक आता है इरेटिक। तो देख लिया आपने इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें, इसका यूज देखिए, हिज कैप्रीशियस मूड्स। मूड्स क्या होता है मेरे दोस्तों? मूड्स होता है नाउन। और नाउन के बारे में जो बताया है, नाउन से पहले आए या नाउन की जो एक्सप्लेनेशन दे वो होता है एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच लिखी है एडजेक्टिव। हिज कैप्रीशियस मूड्स आर डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट, यानी उसके जो बदलते हुए मूड है वो उनके बारे में अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स में आते हैं स्टेबल, जो चीज स्टेबल रहे, कॉन्सिस्टेंट, सर्टेन और सेटल्ड। ठीक है, तो दोस्तों इस वर्ड को याद रखने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि जैसे कोई भी पर्सन हम देखते हैं, कोई भी हमारा दोस्त हो, कोई भी बच्चा हो, जिसका मूड अचानक से चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कैप्रीशियस पर्सन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को कैप्रीशियस वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।